हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट ऊपर। क्रिकेट के मैदान में कोई भी गेंदबाज सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब विरोधी टीम के किसी बल्लेबाज को वो आउट करता है। तो क्या आपको पता है कि क्रिकेट में आउट होने के टोटल कितने तरीके हैं? तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिकेट के मैदान पर कोई भी बल्लेबाज कितने तरीकों से आउट हो सकता है। इसमें से कुछ के बारे में आप जानते होंगे और कुछ के बारे में नहीं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आउट होने का सबसे पहला तरीका है क्लीन बोल्ड। जी दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है और वो सीधी जाकर के स्टंप में लगती है और एक लीगल डिलीवरी है, ना ही नो बॉल है और ना ही किसी तरीके से इलीगल डिलीवरी है, तो इस तरीके की कंडीशन में बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और उसको क्लीन बोल्ड कहा जाता है। उसके बाद में नंबर टू पर है कैच आउट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है और बल्लेबाज के या तो ग्लव्स या फिर बैट से लग करके बॉल हवा में चली जाती है और जमीन पे गिरने से पहले अगर कोई फील्डर उसको पकड़ लेता है तो उस तरीके की सिचुएशन में बल्लेबाज को कैच आउट दिया जाता है। कैच आउट तीन तरीके से हो सकता है। अगर विकेट कीपर कैच को पकड़ रहा है तो उसको कॉट बिहाइंड कहा जाता है। अगर कोई फील्डर पकड़ रहा है तो जनरली उसको कैच आउट कहा जाता है। और अगर कोई बॉलर अपनी बॉलिंग पर खुद ही रिटर्न में कैच पकड़ रहा है तो उस तरीके के आउट वाले डिसीजन को कॉट एंड बोल्ड कहा जाता है। नंबर तीन पर है LBW। यस, तो लेग बिफोर विकेट, जिसको हिंदी में पगबाधा आउट भी कहते हैं, ये नंबर तीन पर है। इस तरीके की सिचुएशन तब पैदा होती है जब अगर बल्लेबाज विकेट के सामने खड़ा है और बॉल जाकर के सीधा उसके शरीर पर या तो पैड पर या फिर शरीर के किसी भाग पर इस तरीके से लगती है कि अगर बल्लेबाज वहां पर बीच में नहीं होता तो सीधी बॉल जाकर के स्टंप में लगती। तो इस तरीके के जब सिचुएशन पैदा होती है तो उसमें भी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और इस तरीके के आउट को बोला जाता है लेग बिफोर विकेट। चौथे नंबर पर है स्टंपिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है और बल्लेबाज उसे खेलने के लिए क्रीज से बाहर आता है, इतने में विकेटकीपर अगर उसके विकेट की गिल्लियां उड़ा दे तो ऐसी सिचुएशन में बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और इसको स्टंपिंग आउट किया जाता है। तो ये नंबर फोर पर है। नंबर फाइव पर है रनआउट। जी हाँ दोस्तों, रनआउट के बारे में भी आप वाकिफ होंगे। अगर कोई बल्लेबाज बॉल को हिट करके उसके बाद में रन लेने के लिए दौड़ता है और जो क्रीज होता है उसमें पहुंचने से पहले अगर कोई फील्डर उसके विकेट की गिल्लियां उड़ा दे तो इस तरीके की सिचुएशन में बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और उसको बोला जाता है रनआउट। तो रनआउट स्ट्राइकर भी हो सकता है और नॉन स्ट्राइकर, दोनों ही बल्लेबाज रनआउट हो सकते हैं। नंबर सिक्स पर है हिट विकेट आउट। जी हां, तो आउट होने का एक तरीका हिट विकेट भी है। इस तरीके के तरीके में जब गेंदबाज कोई बॉल फेंकता है और बल्लेबाज उसको खेलने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में उसका या तो पैर या फिर बल्ला विकेट से लग जाता है और विकेट की गिल्लियां गिर जाए, तो इस तरीके की कंडीशन में भी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है और आउट होने के इस तरीके को कहा जाता है हिट विकेट आउट। तो नंबर सिक्स पर है हिट विकेट आउट। नंबर सेवन पर जो आउट होने का तरीका है वो काफी यूनिक है। इसमें अगर कोई बल्लेबाज बल्ले से गेंद को दो बार हिट करता है, एक बार तो वो हिट करता है उसके बाद में दोबारा विकेट को बचाने के लिए या फिर किसी भी वजह से दोबारा बल्ले से उस गेंद को हिट कर रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन में भी उसको आउट दिया जाता है। तो इस तरीके के आउट को बोला जाता है डबल हिट आउट। इस तरीके के आउट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी तक इस तरीके से कोई आउट नहीं हुआ है, लेकिन लोकल जो क्रिकेट होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उनमें इस तरीके से भी बल्लेबाज आउट हुए हैं। तो नंबर सेवन पर है डबल हिट आउट। नंबर एट पर है मांकड़ आउट। यार दोस्तों, मांकड़िंग के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, खास करे तो अश्विन और बटलर के बीच में विवाद हुआ था IPL में मांकड़िंग को लेकर। उसके बाद में मांकड़िंग काफी चर्चा में थी। तो मांकड़िंग में ऐसा होता है कि जब गेंदबाज बॉल फेंक रहा होता है तब नॉन स्ट्राइकर एंड का जो बल्लेबाज होता है वो अगर बॉल फेंकने से पहले ही क्रीज से बाहर चला जाए और जो बॉलर है वो उस विकेट की गिल्लियां उड़ा दे, तो इस तरीके की कंडीशन में भी खिलाड़ी को आउट दिया जाता है और इस तरीके के आउट को मांकड़िंग आउट कहा जाता है। हालांकि मांकड़िंग भी एक तरीके का रनआउट ही है, लेकिन उसको एक विशेष नाम मांकड़िंग भी दिया गया है। तो ये अपनी लिस्ट में नंबर आठ पर है। नंबर नौ पर है रिटायर्ड आउट। जी दोस्तों, रिटायर्ड आउट के बारे में आपने सुना होगा कि जब कोई खिलाड़ी किसी वजह से या तो चोट लग जाए या फिर किसी और वजह से मैदान में नहीं आ सकता खेलने के लिए, तो इस तरीके की सिचुएशन में उस खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट दिया जाता है। तो इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। दसवें नंबर पर आउट होने का एक यूनिक तरीका है। जी दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड आउट भी एक आउट होने का तरीका है। इसमें अगर कोई बल्लेबाज फील्डर के बीच में आता है, जब फील्डर रनआउट की कोशिश करता है और उसके बीच में अगर आ जाए बल्लेबाज, तो इस तरीके की सिचुएशन में भी अंपायर उसको आउट दे सकता है। इस तरीके के आउट को बोला जाता है फील्ड को बाधित करने के लिए आउट दिया जाना। तो ये भी एक क्रिकेट में आउट होने का तरीका है जो काफी यूनिक है। इस तरीके से भी कई बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आउट हुए हैं। उसके बाद में नंबर 11, जो कि लास्ट तरीका है, तो वो है टाइम आउट।
जस्ट एक टाइम आउट भी एक तरीका होता है जिससे बल्लेबाज आउट हो सकता है। अगर कोई बल्लेबाज जब उसकी बारी आती है तो 3 मिनट से ज्यादा अगर समय ले लेता है तो उस तरीके की कंडीशन में भी खिलाड़ी को आउट दिया जाता है। वनडे और टेस्ट में 3 मिनट का समय है जबकि T20 में 2 मिनट का। अगर 2 मिनट तक वो नहीं आता है मैदान में तो उस तरीके की सिचुएशन में जो आने वाला बल्लेबाज होता है उसको T20 में आउट दिया जाता है, और 3 मिनट तक नहीं जाता है तो वनडे और टेस्ट में आउट दिया जाता है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, लेकिन अगर आए तो इस तरीके की सिचुएशन में भी आउट दिया जा सकता है। तो ये 11 तरीके ऐसे थे जिस तरीके से खिलाड़ी आउट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका है सबसे यूनिक, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।